हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के सेशन में मतलब 20 सितंबर को एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं और हमें प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा है, वीडियोस अच्छे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो आगे देखते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के सेशन के लिए। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के लिए, ये है एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो करीबन 1470 से 1480 का एक रेंज है जहां पर एसीसी सीमेंट अपने आप को होल्ड करते पाया गया है। और जब उसने वो ब्रेक किया, जितनी बार भी ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो उसमें करीबन 30 से 50 रुपए की मूवमेंट आई है। और अगर उसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो इसमें भी करीबन 30 से 50 रुपए की मूवमेंट आई है। अगर आप आज के कैंडल देखेंगे तो एसीसी सीमेंट ने एग्जैक्टली इसी लेवल्स पे कैंडल फॉर्म की है। हालांकि ये एक दोजी फॉर्म हुई है लेकिन इसकी बॉडी थोड़ा बड़ी है, तो हमें लगता है कि एसीसी सीमेंट में कल यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 1500 के ऊपर अगर निकलता है तो एसीसी सीमेंट में बाय करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 1507, सेकेंड टारगेट 1515 और थर्ड टारगेट होगा 1525 का। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1490 का। अगर ये आज की कैंडल के नीचे आता है, 1465 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम सेल करके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1460, सेकंड टारगेट 1452 और थर्ड टारगेट होगा 1440 का। स्टॉप लॉस लगा चलेंगे 1475 का। जो अगला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया ये है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क डेली चार्ट्स पर अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा है। पिछली बार भी इसने करीबन तीन बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट है करीबन 356 के आसपास का। यहाँ से सपोर्ट लेता है अगर ये और बाउंस बैक करता है कल के सेशन में और 365 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करके चलेंगे। टारगेट्स होंगे 370, सेकेंड टारगेट्स होंगे 375 और थर्ड टारगेट होगा 380 का। स्टॉप लॉस हम लगा के चलेंगे 358 का। अगर ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है और इसमें अगर यहाँ से गिरावट आती है तो हम 355 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट्स होंगे 350, सेकेंड टारगेट 345 और थर्ड टारगेट होगा 340 का। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 361 का। वो सारे व्यूअर्स जो अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आपको हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे दी है, आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। हम टेलीग्राम चैनल पर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, हमें लगता है अगर कोई क्विक ट्रेड आ रहा है जहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हम उसे शेयर करते हैं। अगर आप चाहें तो उस ट्रेड में ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, पुणे के सारे ही सीट्स फुल हो चुके हैं। मुंबई के लिए हार्डली दो सीट्स बचे हुए हैं। 13 अक्टूबर के लिए मुंबई के लिए है ये। अगला वेन्यू जो रहेगा उसके डेट्स अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन मैं भोपाल, बैंगलोर या सूरत, इन तीन में से कोई एक वेन्यू पे आने वाला हूँ, तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। जिस तरह मुझे अवेलेबिलिटी और जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैं डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट वेन्यू मेरा कौन से होगा। डेट्स भी मैं उस हिसाब से ही डिसाइड करूंगा। हम अपने इंट्राडे प्रोग्राम में क्या कवर करते हैं या हम अपने स्टॉक मार्केट कोर्स के प्रोग्राम में क्या कवर करते हैं, हम एक्चुअली आपको बेसिक सिखाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल चार्ट्स के बारे में हम बताते हैं, आपको एंट्री एग्जिट कब लेना है ये हम सिखाते हैं, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। कई लोग आपको टिप्स बता देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे टिप्स कि आप इस स्टॉक पे एंट्री कर लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं एग्जिट कब करूं। फॉर एग्जांपल, कई बार होता है कि 100 रुपीज का आपने स्टॉक खरीद लिया है और वो स्टॉक वहां से 10% 15% बढ़ गया है और उसके बाद आप उसमें सोचते रहते हो कि अब मुझे इसमें एग्जिट करना है या नहीं करना, अगर करना है तो कौन से लेवल पर करना है। तो एंट्री लेवल्स आपको समझना जरूरी है, वो भी हम इसमें बताते हैं। ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होने चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपका सेटअप किस तरह होना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए हो तो किस तरह होना चाहिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए किस तरह होना चाहिए, नेक्स्ट डे कौन से स्टॉक्स हम सिलेक्ट करना चाहेंगे, किसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूं यहां पर इस वीडियो में कल हमें कौन से स्टॉक में मोमेंटम लगता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये सिखाते हैं, टारगेट्स और स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें हैं। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ बताया, लेकिन आपको अगर डिटेल जानना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9028588570 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं learninvestandearn@gmail.com पर, वहां पर हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। एक सबसे बेनिफिट या एक सबसे बेस्ट चीज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये है कि आप जितनी भी फीस हमें देते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस है और वो पूरी फीस हम आपको एक महीने के अंदर अंदर रिकवर करवा देते हैं। जो अगला स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है
ये है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक धीरे धीरे करके करीबन 440 के लेवल से कंसोलिडेट होते होते धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बहुत जोर से नीचे नहीं आया लेकिन धीरे धीरे करके करीबन जुलाई से इसने आसपास, जून एंड में जुलाई स्टार्टिंग में इसने ये 440 के आसपास का हाई टच किया और वहां से स्टॉक नीचे आता है, थोड़ा बाउंस करता है, फिर नीचे आता है, फिर बाउंस करता है। अगर आप स्टेप बाय देखेंगे तो ये देखिए स्टॉक नीचे आया, बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस, फिर नीचे, फिर बाउंस, फिर नीचे, फिर बाउंस। अभी स्टॉक यहाँ से आ रहा है और 390 के आसपास जो इसका मैंने यहाँ पर सपोर्ट जोन बनाया, इस सपोर्ट के पास आने पर इसने आज ये सपोर्ट डिसाइसिवली ब्रेक किया हैवी वॉल्यूम्स के साथ। तो अगर कल के दिन ये आज के लोस को ब्रेक करता है 384 को तो सेल करके चलेंगे। 381 फर्स्ट टारगेट होगा, 376 सेकंड टारगेट होगा और 370 हमारा थर्ड टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 388 का होगा। बाय के लिए मैं अभी कोई भी लेवल्स नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है बाय के लेवल्स 395 के ऊपर के ही रहेंगे। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो धीरे धीरे करके इस लेवल्स पर आईसीआईसीआई बैंक को एक्युमुलेट कर सकते हैं, जिनका टाइम होराइजन 6 महीने से 1 साल के ऊपर का है, ये एक अच्छा लेवल है, अच्छा टाइम है इसको धीरे धीरे एक्युमुलेट करने के लिए। लेकिन आपको बहुत ही कम अमाउंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है तो आप सिर्फ 2% या 5% आपको जितना भी अमाउंट है उतने का ही आईसीआईसीआई बैंक खरीदे, बाकी का फंड आगे के लिए रखिए। हो सकता है कि यहाँ से और गिरावट अगर आए तो आपके पास फंड्स होने चाहिए ऐड करने के लिए, लेकिन ये उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है यह है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्रीज करीबन 168 के आसपास इसका प्रीवियस सपोर्ट भी रहा है, जहां से उसने बाउंस करके 185 के लेवल्स टच किए हैं। कल के सेशन में अगर ये 171 के ऊपर निकलता है तो बाय करके चलेंगे, टारगेट्स होंगे 173, सेकंड टारगेट्स 175 और थर्ड टारगेट होगा 178 का, स्टॉप लॉस लगाएंगे 168 का। अगर ये 167 के नीचे आता है तो सेल करके चलेंगे, टारगेट्स होंगे 165, सेकंड टारगेट्स होंगे 162 और थर्ड टारगेट होगा 158 का, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 170 का। आगे चल के देखते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो हमने ऑलरेडी रेकमेंड किए थे 19th of September के लिए और उसमें किस तरह का मोमेंटम आया था। फर्स्ट स्टॉक हमने बताया था पिडलाइट, 1325 के ऊपर बाय रेकमेंड किया था और 1290 के नीचे सेल रेकमेंड किया था। दोनों ही लेवल आज टच नहीं हुए हैं, कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस स्टॉक पर कल नजर बना कर रखिए, मुझे लगता है इसमें से दोनों में से कोई तो भी एक ट्रेड पक्का इनिशिएट होगा। ओके फ्रेंड्स, 1290 कल का भी लो था, 1290.20 आज का भी लो है, तो इस पर नजर बना के चलिए, ये आपको कल एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। सेम थिंग गोज फॉर एनआईटी टेक। एनआईटी टेक में भी बाय और सेल के दोनों ही लेवल्स ट्रिगर नहीं हुए हैं। ये आज इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड बार बना है कल के कैंडल का, तो इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो कल के कैंडल ने आज के कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर लिया था, तो इस पर भी कल नजर बना के चलिए। पिडलाइट और एनआईटी टेक मुझे लगता है बड़ा मोमेंटम आ सकता है इनमें, स्पेशली पिडलाइट में आप नजर बना के चलिए, बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। तीसरा स्टॉक था मन्नापुरम। मन्नापुरम आज हालांकि ऊपर ओपन तो हुआ, मुझे लगा जैसे ही 127 क्रॉस करेगा मैं इसमें खुद भी एंट्री करने वाला था, लेकिन स्टॉक वहां सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से सीधा नीचे आ गया, 122 के नीचे आ नहीं पाया, इसलिए हमने सेल भी नहीं किया, तो आज मन्नापुरम में भी कोई ट्रेड नहीं हुआ है। वो सारे व्यूअर्स जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, फायर्स में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना है हमारे लिंक थ्रू, लिंक नीचे दिया हुआ है, रेफरल लिंक है वो, आप जैसे ही अकाउंट ओपन करवाएंगे उसमें हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर हम ट्रेडिंग टिप्स बताते हैं बिटवीन 9:15 to 10 o'clock। जितने भी ट्रेडिंग आइडियाज हमें लगता है कि आपको एक अच्छा मुनाफा कमा के दे सकते हैं वो हम शेयर करते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये ग्रुप है जो लोग 10 o'clock के बाद अपना बाकी का दूसरा काम कर सकते हैं, जिन लोगों के लिए मार्केट सिर्फ एक पार्ट टाइम है, और 9:15 to 10 o'clock के बाद अगर उनको जो भी मुनाफा मिलता है थोड़ा बहुत, उनको लगता है कि उतना काफी है और मैं अपने दूसरे काम की तरफ फोकस करूँ, तो अगर आप उनमें से एक हो तो आपके लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप बहुत ही अच्छा साबित होगा। बाटा इंडिया हमारा थर्ड स्टॉक था, बाय के लिए लेवल्स नहीं बताए थे, 1535 के नीचे सेल रिकमेंड किया था, हमारा फर्स्ट टारगेट इसमें इजीली अचीव हो गया था, 1527 का मुझे लगता है आज का इसका लो था। तो ये थे वो स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के सेशन में एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, स्टॉक्स जो रिकमेंड कर रहे हैं इसमें चल रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक्स एंड बाय।